एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए की पॉइंट्स को देखेंगे जो वन लाइनर होते हैं और रैपिड रिवीजन के लिए काम में आएंगे आपको। सबसे फर्स्ट के पॉइंट है आज के सीरीज का हमारा, द क्लासिक साइन ऑफ हेपेटिक कोमा इज, हेपेटिक कोमा का क्लासिक साइन होता है हमारा फ्लैपिंग हैंड ट्रिमर। नेक्स्ट है, एन इंजरी द नर्स शुड असीज फॉर फैट एम्बोलिज्म विद इन फर्स्ट 24 आवर्स। फर्स्ट 24 आवर्स में हमें फैट एम्बोलिज्म से इंजरी को असिस करना होता है। नेक्स्ट है हमारा, ए नर्सिंग इंटरवेंशन इन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस वुड बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के अंदर मसाज द लेग जो होता है वो नर्सिंग इंटरवेंशन हमारा कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। नेक्स्ट है, प्लेटलेट काउंट डिक्रीजेज इन डेंगू। डेंगू डिजीज कंडीशन के अंदर अगर आप असिस करेंगे तो प्लेटलेट का काउंट डिक्रीज देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, एडिसन डिजीज इज कॉज्ड बाय इनसफिशियंसी ऑफ हार्मोन कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। एडिसन डिजीज के अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन जो होता है उसकी इनसफिशियंसी देखने को मिलती है। आई पेडिंग इज अप्लाइड ऑन अनकॉन्शियस पेशेंट टू प्रिवेंट कॉर्नियल अल्सर। अनकॉन्शियस पेशेंट जो होते हैं उनको हम कॉर्नियल अल्सर से प्रिवेंट करने के लिए आई पेडिंग अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, लंबर पंक्चर इज डन एट द साइट ऑफ L3 एंड L4। लंबर पंक्चर जो होता है वो L3 L4 साइट पर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। हीमोडायलिसिस जब भी करते हैं तो वहाँ पर हम हेपेरिन यूज़ में लेते हैं। हेपेरिन का यूज़ यह होता है कि यह हमें ब्लड क्लॉटिंग से प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है, राइस वाटर स्टूल इज ए टिपिकल फाइंडिंग इन केसेज ऑफ कॉलेरा। कॉलेरा के अंदर हमें राइस वाटर स्टूल देखने को मिलता है। मास्क लाइक फेसेस इज ए टिपिकल फीचर ऑफ पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसन डिजीज के अंदर मास्क लाइक फेसेस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, टिटेनी कैन बी प्रोड्यूस बाय विच और द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस। टिटेनी जो होता है वो हाइपोकैल्शियमिया की कंडीशन के अंदर हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा, पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी इज नॉन एज हेमिप्लेजिया। अगर बॉडी का वन साइड ही पैरालिसिस है तो वहाँ पर कंडीशन जो होती है वो हमारी हेमिप्लेजिया की होती है। नेक्स्ट है, द अर्लीस्ट साइन ऑफ द पोस्ट ऑपरेटिव शॉक इज मॉनिटर्ड बाय नर्स बाय ऑब्जर्विंग। अगर हमें पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन के अंदर शॉक का अर्लीस्ट साइन को मॉनिटर करना है तो आप पल्स रेट को असिस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ अपेंडिसाइटिस इज, अपेंडिसाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स। जब भी अपेंडिसाइटिस होता है तो वहाँ मेन कॉम्प्लिकेशन हमें परफोरेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज नॉन एज। ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी को मेजर करने के लिए स्फिग्नोमेनोमीटर इंस्ट्रूमेंट को यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पैरालिसिस ऑफ बोथ लोअर लिम्ब इज कॉल्ड, अगर बोथ लोअर लिम्ब्स में पैरालिसिस है तो उसे आप क्या कहेंगे, पैराप्लेजिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द बिनाइन ट्यूमर ऑफ ब्लड वेसल इज कॉल्ड, अगर ब्लड वेसल का बिनाइन ट्यूमर है तो वो हमारा हिमेंजियोमा कहलाता है। ए मायस्थीनिया ग्रेविस पेशेंट्स अर्ली सिम्टम इज, मायस्थीनिया ग्रेविस डिजीज अगर किसी को है तो वहाँ पर अर्ली सिम्टम के तौर पर हमें पिटोसिस देखने को मिलेगा, जिसका मतलब होता है ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड। नेक्स्ट है, रैपिड इन्फ्यूजन ऑफ इंसुलिन कॉजेस, अगर हम इंसुलिन को रैपिडली इन्फ्यूज कर देते तो यह हाइपोकैलेमिया कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, आर्थेलियोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट है, इनएबिलिटी टू स्पीक और अंडरस्टैंड द स्पोकन वर्ड इज कॉल्ड, अगर कोई पर्सन है वो हम जो बोल रहे हैं उसे समझ नहीं पा रहा है तो उसे हम कहते हैं एग्नोसिया। नेक्स्ट है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्प्लीनेक्टोमी। स्प्लीनेक्टोमी का कॉम्प्लिकेशन हमें पेनक्रियाटाइटिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, फीवर हेडेक और नकल रिजिडिटी आर क्लासिक सिम्टम्स आर सीन इन मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस के क्लासिक सिम्टम अगर पूछे जाए तो उसमें हमें तीन चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक तो है फीवर, दूसरा हेडेक और तीसरा नकल रिजिडिटी। नेक्स्ट है, फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल रेडियस इज कॉल्ड, अगर डिस्टल रेडियस में फ्रैक्चर है तो उसे आप कहेंगे कुल्लेस फ्रैक्चर। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स इज कॉल्ड अपेंडेक्टोमी, अगर अपेंडिक्स को रिमूव कर दिया जाए तो उसे हम कहते हैं अपेंडेक्टोमी। इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल टॉन्सिलाइटिस कहलाता है। डंपिंग सिंड्रोम इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ सबटोटल गैस्ट्रेक्टोमी। सबटोटल गैस्ट्रेक्टोमी जिसके अंदर होती है उन पेशेंट्स के हमें डंपिंग सिंड्रोम जो होता है वो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। नॉर्मल वैल्यू ऑफ PaCO2 यह होती है हमारी 35 से 45 mmHg। नेक्स्ट इज, साइट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनादर इज कॉल्ड, अगर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से जो ट्रांसमिशन होता है मैसेज का वो कहलाता है साइनेप्स।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस इज मैनिफेस्टेड बाय एलिवेटेड सीरम एमाइलेज। एक्यूट पैनक्रेटाइटिस जो डिजीज कंडीशन होती है उसके अंदर आपको सीरम एमाइलेज का लेवल एलिवेटेड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इंट्राऑक्युलर प्रेशर इज मेजर्ड विद इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड आईओपी। मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट को यूज में लेते हैं, वह इंस्ट्रूमेंट हमारा कहलाता है टोनोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है, शॉक विच इज रिजल्टिंग फ्रॉम सीवियर एलर्जिक रिएक्शन इज, जो शॉक सीवियर एलर्जिक रिएक्शन की वजह से डेवलप होता है तो उसे आप कहेंगे एनाफाइलेक्टिक शॉक। नेक्स्ट है, पार्ट ऑफ स्टमक इज रिमोट एंड रिमेनिंग पोर्शन इज एनास्टोमस टू ड्यूओडेनम। अगर हम स्टमक का कुछ पार्ट रिमूव कर देते हैं और रिमेनिंग पोर्शन जो है उसे आप कनेक्ट कर देते हैं ड्यूओडेनम से, तो वो सर्जरी हमारी कहलाती है गैस्ट्रोड्यूओडेनोस्टोमी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूड मोर देन 2000 ml इज टर्म्ड एज, अगर एमनियोटिक फ्लूड का जो अमाउंट है वो 2000 ml से ज़्यादा है तो उसे आप कहेंगे पॉलीहाइड्रोमनियोस। नेक्स्ट है, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस ऑफ CNS प्रोड्यूसिंग अल्टर्ड फंक्शन ऑफ वेरियस पोर्शन ऑफ ब्रेन। अगर CNS के अंदर इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होता है जिसकी वजह से कि बहुत सारे वेरियस पोर्शन ऑफ ब्रेन के अंदर अल्टर्ड फंक्शन हो जाता है तो वो डिजीज कंडीशन हमारी इंसेफेलाइटिस कहलाती है। नेक्स्ट है, टिपिकल साइन ऑफ हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस का टिपिकल साइन है सनसेटिंग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पैरालिसिस विच कॉजेज आर्म टू लाई ऑन द साइड विद एक्सटेंशन ऑफ एल्बो एंड फ्लेक्शन ऑफ ब्रेस्ट, यह हमारा कहलाता है अब्स पाल्सी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ट्राइसोमी 21 इज नॉन एज डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के अंदर ट्राइसोमी 21 होता है। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ स्पाइनल बाइफिडा। स्पाइनल बाइफिडा का सबसे मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टाइप क्या होता है, वो है हमारा मेनिंजियोमाइलोसिन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द नर्स शुड एडमिनिस्टर इन नेसोगेस्टिक ट्यूब फीडिंग स्लोली टू रिड्यूस द हैजार्ड ऑफ। नर्स जब भी नेसोगेस्टिक ट्यूब से फीडिंग दे रही है तो वहाँ पर हम उसे स्लोली देते हैं, यह क्या रिड्यूस करता है हमारा रिगर्जिटेशन की कंडीशन को रिड्यूस करता है अगर आप एनजी ट्यूब को स्लोली देंगे तो। नेक्स्ट है, द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीजेस। क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज जो होती है उसका सबसे सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है परफोरेशन। नेक्स्ट है, द मेजर पोस्ट ट्रांसफ्यूशन वायरल हेपेटाइटिस इज। हेपेटाइटिस का कौन सा ऐसा टाइप है जो कि पोस्ट ट्रांसफ्यूशन मेजरली आपको देखने को मिलता है, वो है हमारा हेपेटाइटिस सी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन का सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या है, क्रॉनिक ब्लीडिंग, एब्डोमिनल स्वेलिंग और लिवर फेल्योर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द नर्स एडमिनिस्टर नियोमाइसिन टू ए पेशेंट विथ हेपेटिक सिरोसिस टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ। हेपेटिक सिरोसिस जब होता है तो वहाँ पर हम नियोमाइसिन को एडमिनिस्टर करते हैं। नियोमाइसिन जो होती है वो अमोनिया फॉर्मेशन को प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट है, सोरियसिस एंड इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर ऑफ स्किन। सोरियसिस डिजीज कंडीशन इन्फ्लामेटरी स्किन डिजीज कंडीशन है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ सेल इनटू अनदर टाइप इज कॉल्ड। एक सेल का दूसरे टाइप की सेल के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होना मेटाप्लेसिया कहलाता है। नेक्स्ट है, सर्जिकली क्रिएटिंग एन ओपनिंग इनटू एन ऑर्गन और स्पेस इन द बॉडी बाय ए शार्प इंस्ट्रूमेंट इज नॉन एज। सर्जिकली अगर हम ओपनिंग क्रिएट करते हैं एक ऑर्गन के अंदर या बॉडी के अंदर शार्प इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, वो हमारा कहलाता है इंसिजन। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड अप ऑफ। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो कैल्शियम सल्फेट से बना होता है। नेक्स्ट है, द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग टाइप ऑफ ब्रेन ट्यूमर। कौन से टाइप का ब्रेन ट्यूमर मोस्ट फ्रिक्वेंटली देखने को मिलता है आपको, तो वो है ग्लियोमा। नेक्स्ट है, मेन क्लिनिकल सिम्टम ऑफ हाइटल हर्निया। हाइटल हर्निया का मेन क्लिनिकल सिम्टम होता है हार्ट बर्न। नेक्स्ट है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रॉनिक अस्थमा। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है क्रॉनिक अस्थमा का, वो है एम्फाइसेमा। नेक्स्ट है, एग्जामिनेशन ऑफ ए पेशेंट विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। अगर हम स्टेथोस्कोप की सहायता से पेशेंट का एग्जामिन कर रहे हैं तो वो हमारा कहलाता है ऑस्कल्टेशन। नेक्स्ट है, ऑरल थ्रेश इज ए फंगल डिजीज। ऑरल थ्रेश जो है वो हमारी एक फंगल डिजीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन ए पेशेंट विद फ्रैक्चर ऑफ लॉन्ग बोन विच इज मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन। अगर लॉन्ग बर्न का फ्रैक्चर होता है तो वहाँ पर हमारा मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन हमको देखने को मिलता है, वो है फैट एम्बोलिज्म। नेक्स्ट है, एब्सेंस ऑफ आइडेंटिफाइबल QRS कॉम्प्लेक्स इन ECG गिव इंडिकेशन ऑफ। अगर हमें यहाँ पर QRS कॉम्प्लेक्स जो है ECG के अंदर एब्सेंस है आइडेंटिफाई करने के लिए, तो वो हमारा कहलाता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का कंडीशन।
Next is sharp stabbing pain occur when breathing is in the clinical feature of pleurisy. के अंदर अगर हम breathing की बात करते हैं तो यहाँ पर sharp stabbing pain होता है breathing के साथ. Next is most common type of common site of liver abscess, right lobe of liver. अगर liver abscess जो होता है तो वो हमें ज़्यादातर commonly देखने को मिलता है right side of the liver में. Next is dengue fever is also known as dengue fever को आप breakbone fever भी कहते हैं. नेक्स्ट है इन एड्स पेशेंट न्यूमोनिया अकर. एड्स पेशेंट के अंदर न्यूमोनिया जो होता है वो न्यूमोसिस्टाइटिस की वजह से देखने को मिलता है. नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस इन एज ग्रुप 2 years to 20 years. एज ग्रुप 2 years से लेकर 20 year के बीच में मेनिंजाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज होता है नाइजीरिया मेनिंगोकोकाई. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया. इंडिया के अंदर कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस का वो है कैटरेक्ट. नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब. ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब के साथ कौन सा कॉम्प्लिकेशन एसोसिएट होता है? ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब की वजह से डैमेज हो सकती है हमारी लेरिंजियल नर्व. नेक्स्ट है हमारा द नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट इन न्यूबॉर्न इज. न्यूबॉर्न के अंदर नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है? 30 to 60 ब्रीथ्स पर मिनट. नेक्स्ट है द कॉज ऑफ इसोफेजियल वेरिसिस. इसोफेजियल वेरिसिस का क्या कारण होता है? वो होता है हमारा पोर्टल हाइपरटेंशन. नेक्स्ट है रिपीटेड वॉमिटिंग कैन प्रोड्यूस द फॉलोइंग बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटी. अगर रिपीटेडली वॉमिटिंग हो रही है किसी पर्सन को तो उसके अंदर हमें मेटाबॉलिक एल्केलोसिस का कंडीशन देखने को मिलता है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द हार्मोन ADH वर्क्स इन विच एरिया ऑफ किडनी. किडनी के अंदर जो हार्मोन ADH होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन वो कहाँ पर एक्ट करता है? यहाँ पर आंसर है हमारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल और कलेक्टिंग डक्ट पे. नेक्स्ट इज दैट वाइट एरिया ऑफ नेल इज कॉल्ड. नेल्स का जो वाइट एरिया होता है उसे हम कहते हैं ल्यूनुला. नेक्स्ट है सिंपैथेटिक एंड द पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आर द पार्ट ऑफ ANS. ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं दो, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. नेक्स्ट इज चाइल्ड सिट विद द सपोर्ट एट द एज ऑफ. चाइल्ड जो होता है विद सपोर्ट बैठता है हमारा 4 to 6 मंथ ऑफ एज. नेक्स्ट है ए कपल एंड देयर डिपेंडेंट चिल्ड्रन लिविंग टूगेदर अंडर द सेम रूफ इज कॉल्ड. अगर एक कपल और उनके जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन है वो उनके साथ रह रहे हैं एक ही छत के नीचे तो वो हमारी कहलाती है न्यूक्लियर फैमिली. नेक्स्ट है सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. ह्यूमन सोसाइटी का सिस्टमेटिक स्टडी कहलाता है सोशियोलॉजी. नेक्स्ट है माउथ केयर टू अनकॉन्शियस पेशेंट शुड बी गिवन व्हेन पेशेंट इज इन. जब हम अनकॉन्शियस पेशेंट को माउथ केयर दे रहे हैं तो वहाँ पर हमारा साइड लाइंग पोजिशन होगा. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एन एजेंट दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एक एजेंट जो कि इनहिबिट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को वो कहलाता है हमारा डिसइंफेक्टेंट. नेक्स्ट है एंगल ऑफ इंसर्शन ऑफ नीडल फॉर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन शुड बी. सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जब देते हैं तब हमारा नीडल का एंगल ऑफ इंसर्शन 45 डिग्री होता है. ए सब्सटेंस यूज्ड टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन. एक ऐसा सब्सटेंस जो कि पॉइजन के इफेक्ट को काउंटरैक्ट कहलाता है करता है वो कहलाता है एंटीडॉट. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लार्जेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ द सेल इज. सेल का लार्जेस्ट ऑर्गेनेल क्या है? न्यूक्लियस. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द मेन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इज. प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का मेन प्रोडक्ट क्या है? आपका आंसर है यहाँ पर यूरिया. कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सपायर्ड एयर इज अबाउट. एक्सपायर्ड एयर के अंदर O2 कंसेंट्रेशन जो होता है वो होता है हमारा 16%. नेक्स्ट है द मोस्ट एबंडेंट केटायन इन ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड. ECF के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलता है सोडियम. नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स आर. इंटरकोस्टल मसल्स के टोटल नंबर कितने होते हैं? 11 पेयर्स इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं. टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी के अंदर 639 मसल्स टोटल होती हैं. नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा इन ह्यूमंस आर 33. नेक्स्ट है ईटिंग बिहेवियर इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस से ईटिंग बिहेवियर कंट्रोल होता है.